नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते दीदी जी, नमस्ते सभी को जी। तो गृह कार्य के रूप में ये है कि अगले 24 घंटों में आप के साथ घटने वाली सारी घटनाओं में तथा दूसरे व्यक्ति के साथ घटने वाले आदान प्रदान में अपने भाव का मूल्यांकन करें और अपने आप से पूछें कि इन भावों में निर्णय का आधार क्या है, सही समझ या मान्यता, सही समझ के अभाव में। तो क्या मुझे सही समझ की आवश्यकता दिखती है? अपने भाव में सही समझ के आधार पर तय करने की आवश्यकता दिखती है। अपने ऑब्जर्वेशंस को जर्नल में नोट करें। तो ये एक तो असाइनमेंट है जो तो हम लोग अभी करते ही रहे स्टेप 5 में, बट इसके साथ हम लोग अभी 10 मिनट का समय लगाते हैं। इन 10 मिनट में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और वो काम जो हम लोग कर ही रहे स्टेप 5 पे उसको बारीकी से करते हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने काम और किया था कि जीने से जुड़े मुद्दों में हमारी कहाँ मान्यता काम करती है, कहाँ समझ के आधार पर हम निर्णय लेते हैं, इसको भी सॉर्टिंग कर रहे थे हम लोग, है ना। वो भी आप कर सकते हैं, विचार विचार में उसको लिख भी सकते हैं, बट ये काम अपने को करना है। उसी क्रम में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। स्टेप 5 में आप देखेंगे कि अब एक आवश्यकता बन जा रही है समझने की, और जब यहाँ पे आप जाएंगे तो दिखेगा कि हो सकता है अभी हम बिना समझे हुए ही बहुत सारे निर्णय लेते रहे हैं, ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे कुछ मानकर। तो उनमें से हर एक परिस्थिति में, हर एक अवसर पे समझ के आधार पर क्या निर्णय होगा उसको तय करना जरूरी है ना? परिवार के संदर्भ में, अपने भविष्य के संदर्भ में, बच्चों के भविष्य के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में, समाज में अपनी भागीदारी के संदर्भ में, मेरा अपना क्या कार्यक्रम होगा, कहाँ मान्यता काम करने लगती है, कहाँ समझ के आधार पर हम निर्णय ले पाते हैं। तो इसमें बहुत सारा स्कोप दिखाई देगा अपने ऊपर काम करने के लिए स्टेप 5 में। तो इसको हम लोग सॉर्टिंग करें, है ना। तो यहाँ भी सॉर्टिंग हम लोग इस प्रकार कर सकते, लाइफ में जो हमने बड़े निर्णय लिए अपनी लाइफ में अब तक, ठीक है ना, वो समझ कर लिए, मान्यताओं के आधार पर लिए। जो हमने करियर का चुनाव किया, जॉब का चुनाव किया, स्पाउस का चुनाव किया, रहने के स्थान का चुनाव किया, रहने के ढंग का चुनाव किया, उन सब चीजों को हम ऑब्जर्व करना शुरू करें और देखें कि वहां सही समझ क्या हो सकती है। भविष्य की योजनाओं का जो चुनाव कर रहे हैं, भविष्य के कार्यक्रमों का जो चुनाव कर रहे हैं, जिस तरह से निर्वाह कर उसमें जो चुनाव कर रहे हैं, उसके आधार में कोई मान्यता है या सही समझ। क्योंकि तो भाव के स्तर पर कोई चूक होगी तभी विचार में चूक होगा, तो भाव में क्या चूक हो सकती है इसको देखेंगे कि ब्लॉक B1 के आधार पर तय हुआ या ब्लॉक B2 में ही तय हो गया। तो इससे क्या होता है, एक अपने बारे में ओपननेस आती है, जहां हम अपने आप को हर समय सही ठहराने का प्रयास करते हैं। कई बार वो हमारे अंदर एक एरोगेंस का रूप ले लेता है, जिद का रूप ले लेता है, हठ का रूप ले लेता है। वो धीरे धीरे खुलता है, हमको दिखता है कि हाँ हमारी नासमझी है, हम नासमझ अभी तक रहे हैं, समझना बाकी है, तो समझेंगे। तो जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है अपने निर्णयों, कम से कम अपने आप के लिए। तो हम अपने निर्णयों को कई बार अपने आप के लिए जस्टिफाई करते रहते हैं कि बिल्कुल ठीक निर्णय था, वहां पे यही निर्णय लेना जरूरी था, नहीं लेते तो ऐसा होता, वैसा होता, है ना। ऐसे 100 निर्णय कम से कम लिए होंगे आपने जो मेजर निर्णय है लाइफ में, और उनमें से हर एक निर्णय में हम देख सकते कि समझ आधार में था या मान्यता आधार में थी। तो ये जो हमारा एक अपने आप को जस्टिफाई करने का अभ्यास है या उसके प्रति जिद पकड़ लेने का, हट करने का, संबंधों में एरोगेंस शो करने का अभ्यास है, उससे हम निकल पाते। उससे हम निकल पाते, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फिर अगले स्टेप 6 में हम देखेंगे क्या समझना है, ठीक है, बट ये तो तय हो जाए कि समझ कर निर्णय लिए या बिना समझे निर्णय लिए।
कि नहीं। तो एक बार हमको ये दिखता है स्टेप फोर में कि मुझे अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है, मुझे समझने की आवश्यकता है। तो ये देखना शुरू करते हैं कि क्या क्या ऐसा किया जो समझ के आधार पे था, क्या क्या ऐसा किया जो बिना समझे था। ना हो सकता है संस्कार रूप में वो अभी तक एक्टिव है, काम कर रहे हैं हमारे ऊपर और हमें पता भी नहीं है। क्या लगता है ये काम करने लायक है नहीं है? कि लाइफ में जो भी हमने डिसीजंस लिए वो समझ के आधार पर लिया या मान्यता के आधार पर लिया, उसको एक बार इवैल्यूएट करें, है ना, जिसको भी अभी समझ मानते हैं। जी ये अपने आप में ओपन होना है ना, अपने को इवैल्यूएट करने के लिए ओपन करना, ये वीरता का काम है कि हम अपने आप में ओपन हो पाते हैं कि हाँ भाई मैंने जैसा जिया है मैं अपने आप में उसका मूल्यांकन करने के लिए तत्पर हूँ, मुझे अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना है बल्कि मुझे ओपनली देखना है। जी तो आज हम लोग इस असाइनमेंट को लेंगे, इसको करेंगे आज। तो लाइफ में जितने भी मेजर डिसीजंस लिए हम लोगों ने उन सबको हम देखेंगे कि कहाँ समझ का पुट था, कहाँ मान्यता काम कर गई, ठीक। और अगर वो मान्यता है तो समझ क्या है, ये अगले स्टेप सिक्स में हम लोग तय करेंगे। तो एक फिर से एक बच्चे की तरह हम है ना लाइफ को रीओपन करके देखना शुरू करते हैं, जैसे एक बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता और हर चीज को वो एक जिज्ञासा से देखता है बिना किसी पूर्वाग्रह के। वैसे ही हम लाइफ में जैसा हमने जिया है, जैसा आगे जीने वाले हैं, उसको बिना किसी पूर्वाग्रह के ओपन करके देखते हैं, खुले तौर पे देखते हैं ना, कि सही रहा या सही नहीं रहा, बिना इसको जस्टिफाई किए, किसी निर्णय को जस्टिफाई किए ओपनली ऑब्जर्व करते हैं, ओपनली इवैल्यूएट करते हैं। अगर समझ का पुट नहीं था तो स्वीकारेंगे, हाँ समझ नहीं थी, उसके आधार में समझना बाकी है, वहां पर समझेंगे। हो सकता है कल ना समझ पाए, 2 दिन में ना समझ पाए, बट ये तो दिखाई दे कि समझना जरूरी है इसको, नहीं समझेंगे तो उलझे रहेंगे। तो आज हम लोग इसको ऑब्जर्व करें और इसको देखें। तो लाइफ में जो भी हमने मेजर डिसीजंस लिए वो समझ के आधार पर थे या बिना समझे थे। एक ब्लैंकेट रिस्पॉन्स देना कि ये नासमझी में था सब कुछ, ये भी ठीक नहीं है। एक ब्लैंकेट रिस्पॉन्स की सब कुछ समझदारी के आधार पर था, ये भी ठीक नहीं है। तो वन बाय वन देखें और किसी एक निर्णय में भी कितनी समझ थी हमारी और कहाँ मान्यता जुड़ गई उसको भी देखें। कुछ हमारी आवश्यकता होती है ना, जो सहस्वीकृति से तय होती है, बट उस आवश्यकता को पूरा करने जाते हैं तो समाज के बारे में कुछ मानकर, परिवार के बारे में कुछ मानकर, ठीक, हम बहुत सारी मान्यताओं को जोड़ लेते हैं, फिर निर्णय कहीं से कहीं पहुंच जाता है। गुरपाल जी ने लिखा है कि मजबूरी में थे। देखिए मजबूर होने का निर्णय भी हमारा ही होता है, तो मजबूर होने का भी जो निर्णय लिया हमने, समझ कर लिया या बिना समझे लिया, इसको ऑब्जर्व करें, है ना, आज इसको असाइनमेंट के रूप में। जी रजनीश जी, नमस्ते भैया। कि जो स्पॉन्टेनियस कई बार लाइफ में चीजें होती है, जो इंस्टिंक्ट बेस्ड या स्पॉन्टेनियस, उसको कैसे डिफाइन करेंगे या कहाँ उसको प्लेस करेंगे? जी भैया देखिए जो हमारा इंस्टिंक्ट होता है ना, जी वो अभी तक हमारा संचित संस्कार के आधार पर होता है, जी जिसको हम स्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उस क्षण में अलग से बैठ के हमने उसको एनालाइज नहीं किया। जी जैसे आग के सामने मक्खी आई, हमने हाथ से मार दिया, हटा दिया, जी हम कहते हैं इंस्टिंक्ट है। तुम्हारे अंदर एक जी संस्कार है कि मुझे अपने आप को बचा के रखना है जी ना। तो जी बट वहां पे हम बैठ के एनालाइज करें कि मक्खी क्या है, इसमें सेल्फ है कि नहीं है, इसको मारना ठीक है या हट जाना ठीक है, तो हमको लगता है अभी जी इंस्टिंक्ट नहीं है, तो हम नए सिरे से एक्सप्लोर करने लगते हैं।
जहां पे हमारा निर्णय पहले से बना हुआ है अपने संस्कारों के आधार पर, वो हमको इंस्टिंक्ट लगता है। ठीक, मैं और मेरे दो दोस्त जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे 1983 में, तो वहां पर हम एम्स के क्रॉसिंग से बस में जा रहे थे, डीटीसी बस के अंदर, और तुरंत हम वहां से हमने एम्स के बस स्टैंड पर चलती बस से कूदे, और कूद के हमने एक डिप्लोमा इन प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स का, जो मैंने 83 से 86 के बीच में सदरंग हॉस्पिटल से 3 इयर्स डिप्लोमा किया इनिशियली, तो वो एक इंस्टेंटली मैंने वो लिया, जिससे मेरा पूरा प्रोफेशन जो है वो डिटरमिन हो गया, मेरी लाइफ पूरी हो गया। तो क्या ये मेरे स्वयं के निर्णय के आधारित था, या उसको प्रीडेस्टिन्ड कहूं, तो इसको कैसे स्पष्ट तरीके से देख सकता हूं मैं? जी, इसको डेस्टिनी जैसा तो कुछ ना कहे ना? जी जी, ये तो योग संयोग की, आप जिस बस में बैठे थे उसके बगल में एड लगा हुआ था, है ना जी, और आपका ध्यान उस पर चला गया। इनफैक्ट ये भी पॉसिबल है कि जब आप उस बस से उतरे और आपने ये निर्णय लिया, तो उस समय आपके अंदर क्या भाव विचार चल रहे थे उसको आप देख सके, बहुत मुश्किल नहीं है। क्योंकि तो हो सकता है कि आपने पढ़ाई जहां तक की थी उसके आगे कोई प्रोफेशनल कोर्स करने का एक इच्छा हो सकता है, दबाव भी हो सकता है, ठीक है, कि एक ऐसा कोर्स किया जाए जिसमें जल्द से जल्द हम प्लेस हो पाए, जॉब लगता है, या जी कुछ ऐसा करें जिससे समाज का उपकार हो, जी, है ना, तो आप अपने आप में ट्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद भैया। तो आज हम लोग ये काम करें, आज के लिए असाइनमेंट है, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।